न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 27 दिसंबर को रेवाड़ी में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव के चलते ठंड के मौसम में एक तरह से कहा जा सकता है कि गर्माहट पैदा हो गई है और हर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने में जुट गया है, या ये कहें कि हर उम्मीदवार ने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और कार्यकर्ताओं की टोली हर वार्ड में घर घर डोर टू डोर जाकर के लोगों से एक ही अपील कर रही है कि उनके पक्ष में मतदान करें। चुनाव 27 तारीख को होने हैं। चेयरपर्सन पद की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी से 6 चेयरपर्सन के उम्मीदवार यहां चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 3 मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा 3 निर्दलीय तौर पर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी के बीच बात करेंगे रेवाड़ी के अहम वार्ड जो कि 25 नंबर वार्ड है और सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला ये वार्ड है। करीब 5600 मतदाताओं वाले इस वार्ड में डॉक्टर सत्यनारायण दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार डॉक्टर सत्यनारायण खुद चुनाव न लड़ करके अपनी पत्नी सरोज बाला को चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया है और उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। इसी को लेकर के और क्या कुछ तैयारियां डॉक्टर सत्यनारायण और उनकी पत्नी ने मतदाताओं के बीच जाने के लिए की है, इसी को लेकर के डॉक्टर सत्यनारायण से अभी बात करेंगे। डॉक्टर सत्यनारायण, बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां आपने की हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वार्ड ये माना जाता है। इस वार्ड के अंतर्गत 3 मोहल्ले जो कि विकास नगर जहां हम बैठे हैं, इसके साथ ही साथ आदर्श नगर है और एक सुभाष बस्ती, 3 मोहल्ले बड़े आते हैं जो कि 5600 मतदाता के करीब यहां पर मौजूद है। गैस सिलेंडर आपको चुनाव चिन्ह मिला है, किस तरह की तैयारियां और आपने की? हमें कल अपने SDM साहब की तरफ से और प्रेसिडेंट जो अफसर है उनकी तरफ से गैस सिलेंडर चिन्ह हमें मिला है और ये मैं भगवान का सौभाग्य और मेरे उनकी जो मेरे ऊपर छत्र छाया की तरह आशीर्वाद है भगवान का, उनको मानता हूँ। ये पुराना चुनाव चिन्ह मिला है सिलेंडर का, पहले भी पिछली बार भी मेरा चुनाव चिन्ह सिलेंडर गैस सिलेंडर था। इसमें पब्लिक को जब भी मेरे वार्ड की जनता को ये पता चला है अगर हमें दोबारा गैस सिलेंडर मिला है तो वो बड़े फूले नहीं समा रहे, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब अब तो आप चिंता मत करो पहले की तरह दोबारा इसको फुल भर देंगे और बढ़िया जन समर्थन से और बढ़िया बहुमत से आपको विजय दिलाएंगे। यहाँ से महिला आरक्षित सीट होने के कारण मेरे वार्ड से मेरी मैडम सरोज बाला ने नामांकन किया है, वो इस चुनाव में एक बढ़िया भूमिका के रूप में उतरी है और मेरा भी पहले भी उनकी तरफ से बहुत भारी सहयोग रहा है, आगे अपने वार्ड को भी इसी तरह सहयोग बनाए रखे और मैं अपनी मैडम का बहुत बहुत आभारी रहता हूं क्योंकि मेरे कार्यशैली में उनका बड़ा योगदान रहता है। डॉक्टर साहब, अहम बात यह है कि इस वार्ड के अंदर इस बार आप चुनाव न लड़के आपकी पत्नी चुनाव मैदान में है। हालांकि इस वार्ड से बात की जाए तो कुल 9 उम्मीदवार जो बताए जा रहे हैं अलग अलग जो कि यहां से चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य तौर पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिंबल पर जो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं तो एक प्रत्याशी वो हो जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की भी बात की जाए और दूसरे जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो मुकाबला कहीं ना कहीं रोमांचक हो जाता है। ऐसे में तो उस मुकाबले से किस तरह से जो है आप जो है लड़ पाएंगे और जनता के बीच में और क्या खास बात होगी जिनको लेकर जाएंगे? मैं मुकाबला अपने काम से करता हूं, मैं किसी पार्टी से या किसी प्रतिद्वंदी को मुकाबला कभी समझता नहीं हूं और ना ही मैंने समझा है। मैं जीतने के बाद सबको बराबर लेके काम करता हूं, मेरा काम के प्रति दृढ़ संकल्प होता है, मैं डेडिकेटेड से काम करता हूं। इसी तरह मेरी मैडम सरोज बाला भी काम को लेकर बड़ी दृढ़ संकल्प होती है। दूसरी बात, पार्टी का कोई पार्टी का इसमें सिस्टम नहीं होता, इसमें पब्लिक जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है और वही अपना जनादेश देती है और वही आने वाले जो भी कैंडिडेट होता है अच्छा लगता है। आजकल मतदाता जागरूक हो चुका है, बहुत ही आदर्श मतदाता है, एजुकेटेड होता है, वो स्वयं अपने लेने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प होता है, अपना जो भी हो वो देखते हैं मतदाता। इसलिए मैं कहता हूं पार्टी का कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, हमारे वार्ड का शिक्षित जागरूक मतदाता है और उन्होंने मुझे देखा है। मैं 5 साल तक उनके लिए डेडिकेटेड से काम करता था, ईमानदारी से घर घर जाके डोर टू डोर जाके काम करता था। मैंने
अपने वार्ड में सीवरेज की बिल्कुल कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं छोड़ी, सारा सीवरेज मेंटेन है मेरे वार्ड में, और आगे आगे भी मैं अपने वार्ड को एक बहुत बढ़िया आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूं, जो शहर में एक बढ़िया मिसाल कायम। डॉक्टर साहब, आदर्श वार्ड की आपने बात कही, समस्याएं क्योंकि पहले आप पार्षद रहे हैं तो समस्याओं को लेकर के प्रयास भी आपने किए और काम भी यहां पर कराए प्रशासन से मिलकर के, ऐसी क्या बड़ी समस्या अभी जो रह गई है, क्या ऐसी जरूरत बाकी रह गई है जिसकी कि यहां के वार्ड वासियों को जरूरत है, जिसका निदान और समाधान कराए जाने की आवश्यकता है? अब मेरे वार्ड में सारी समस्याएं सोल्व हो चुकी है। अंडरपास की सबसे बड़ी समस्या थी वो सोल्व हो चुकी है, अप्रैल में शुरू हो जाएगी। इसके बाद रेलवे ग्राउंड का रोड था वो भी हो गया है, धर्मशाला कम्युनिटी सेंटर था वो भी बना दिया मैंने। अब समस्या सबसे बड़ी एक हो रही है, जो मेरे वार्ड में जोड़ है नगर परिषद का, तो उसमें पार्क बनवाना है मैंने, क्योंकि यहाँ 7-8 वार्ड लगते हैं और मेरे वार्ड में सेंटर में है वो पार्क, तो मैं अब की बार उस पार्क को बढ़िया सुदृढ़ सौंदर्यकरण की तरह बनाऊंगा, जैसे हमारे यहाँ लोकों में हेरिटेज लोक दार्शनिक स्थल है। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल पहले भी आपने जिक्र किया था कि जोहड़ जो है उसको पार्क का रूप दिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से पहले भी स्वीकृति और मंजूरी इसके लिए मिली थी लेकिन काम सिरे नहीं चल पाया। ठीक है कि आपकी तरफ से इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। बात करें कि जो कुछ एक सड़कें अभी यहाँ बाकी है, स्ट्रीट लाइट की अगर बात की जाए, तो उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? और साथ ही साथ बड़ी बात जो कि महिला आरक्षित वार्ड ये जो है, तो महिलाओं के लिए ऐसे क्या कुछ साधन यहाँ पर वो उपलब्ध कराए जाएंगे महिलाओं को, कि स्वरोजगार की दिशा में जिस तरीके से सरकार एक प्रयास कर रही है, तो महिला होने के नाते क्योंकि पार्षद पद के तौर पर इस बार आपकी पत्नी मैदान में है, तो इसको लेकर क्या करें? महिलाओं के बारे में जैसा ही सरकार कह रही है और पहले भी सरकारों का योगदान अच्छा रहा है, तो महिला का क्या है इसमें, लेडीज महिला होने के नाते जो महिला का दायित्व तो होता है वार्ड में पूरे शहर में एक बढ़िया तरीके से उनको सुरक्षा मिले, बाहर आने जाने में बच्चियां अपने आप को सुरक्षित ना समझे, ऐसा मतलब बढ़िया वार्ड बनाऊंगा मैं अपना। इसमें औरतों को और बच्चियां जो होती है स्कूल में जाती है उनके लिए शिक्षा का अच्छा योगदान होगा। मैंने अभी बताऊं आपको, प्राइमरी स्कूल की सुविधा कर दी है अपने इसी योजना में, तो वो स्कूल चल रहा है सरकारी, तो उसमें करीबन 50 बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना हो गया है और मेरा वार्ड सलम बस्ती है आधा, तो उसमें बच्चे बड़े गरीब तबके के होते हैं, तो उनको पढ़ाने की सुविधा के लिए मैंने स्कूल स्थापित कर रखे अपने यही सुभाष बस्ती में, और उसमें 50 बच्चे आ रहे हैं। दूसरी बात रही, अब मेरे वार्ड में इस टाइम एक भी स्ट्रीट लाइट बंद नहीं है, सारी वेल सेटेड लाइटें हैं। दूसरी बात सफाई का, मैंने डोर टू डोर जो किया था अपना संकल्प को पूरा कर दिया है। अब आगे सफाई पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि सफाई जहाँ होगी वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से एक आदर्श वार्ड बनेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण, जिनकी पत्नी सरोज बाला वार्ड नंबर 25 से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि उन्हें अपने पति का साथ सहयोग और समर्थन प्राप्त है, इसके साथ ही जनता का भी उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन, जिस तरीके से डॉक्टर सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें मिल रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने साथ ही साथ एक बड़ी बात बताई कि पिछले कार्यकाल के दौरान इन्होंने प्रशासन से मिलकर के अनेक कार्य यहां पर कराए हैं और कोई समस्या बाकी नहीं छोड़ी है, फिर भी जिस तरीके से अभी दावे और वादे ये जनता के बीच में कर रहे हैं, इन्हीं को लेकर के ये आम जनता से मतदाताओं से वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, तो अब देखना होगा कि इनकी इस अपील का आम जनता पर कितना अच्छा खासा असर देखने को मिलता है और कितना जनता इनको सहयोग कर पाती है। ये तो आने वाली 30 तारीख को ही फैसला हो पाएगा, क्योंकि चुनाव 27 दिसंबर को होने। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।